जा रही है, वैसे वैसे लोगों में जागरूकता का भी संचार यातायात के ही आला अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। इसी क्रम में डायट में छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाने पहुंचे एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा। इस दौरान उन्होंने यातायात के नियमों को बड़े ही सरलता से इन छात्र छात्राओं को समझाया और कहा कि इसका पालन करने से सिर्फ नियम का ही पालन नहीं होता है, बल्कि जिंदगी को भी महफूज बनाया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए निर्धारित गति सीमा में ही विद्यालयों एवं भीड़ वाले बाजारों से बरसात में कोहरे के समय वाहन की गति इस प्रकार रखूंगा कि गलत तरीके से वाहन की ओवरटेकिंग नहीं करूंगा, गलत दिशा में वाहन नहीं चलाऊंगा, यात्री के रूप में चलूंगा तो ड्राइवर को तेज गति से वाहन चलाने के लिए तेज गति से वाहन चला रहा होगा तो मैं उसे गाड़ी की गति धीमी करने के लिए यदि मैं किसी वाहन का यात्री हूँ तथा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, जिस समय मुझे भरपूर नींद आ रही होगी या मैं अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा होऊंगा। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया, इस संकल्प पत्र में ये कि जो बहुत सी चीज़ें लोग ध्यान नहीं रहता कि हम उनको फॉलो करें, जैसे कि आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है, वाहन में बैठा हुआ है, और तेज़ चलाइए आदमी कहता है, अपने परिवारजनों से मित्रों से कहता है, लोग तेज़ चलाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ये सब चीज़ें कहीं विस्तृत रूप से लिखी नहीं है कहीं पे, तो ये हम लोगों को पब्लिक को बताना पड़ेगा कि ये जो चीज़ ये जो आप कहते हैं इससे भी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। या कभी कभी देखते हैं हम लोग कि अपना हम रात को हमको चलना है, ड्राइवर को बता दिया भाई चलना है, ड्राइवर कहाँ से आया, किस हालत में है, उसकी कंडीशंस को हम लोग नहीं देखते हैं, नींद की हालत में पता चला रास्ते में झपक रहा है और दो सेकंड में उसका काम तमाम हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है।